हाय दोस्तों, मैं एक बार फिर से मरीना मिलिट्री नेवी के साथ वापस आ चुका हूँ। ये एक इटालियन नेवी सिम है और इसमें ये खाली एक फ्लाइट सिमुलेटर नहीं है, इसमें प्लेन्स भी है, बोट्स भी है, शिप्स भी, एयरक्राफ्ट कैरियर भी है और हेलीकॉप्टर भी है। तो आज मैं इसका एट मिशन करूँगा जो कि इस सिनेरियो का लास्ट मिशन है। इसके बाद दो और सिनेरियोज है और ये और भी बहुत से, इसमें चार और है जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। री एंट्री इन पोर्ट विद रेस्क्यूड पर्सन, तो उन बचे हुए लोगों के साथ ये री एंट्री होंगी। अच्छा, इसका भी एक सीक्वेंस है, आपने अगर ध्यान दिया होगा, क्योंकि जैसे मैंने उन हेलीकॉप्टर से उन लोगों को बचाया था, फिर जो लाइफ बोट थी वो लोगों को ली गई थी डिस्ट्रॉयर के पास, तो अब ये जो डिस्ट्रॉयर है ये मुझे वापस इन्हें लेके पोर्ट पे आना है, मतलब बंदरगाह में आना है। तो आप देख सकते हैं ये है डिस्ट्रॉयर, ये फ्रिगेट जैसा ही होता है पर एक वॉरशिप है जिसमें मिसाइल्स होती है, गन्स होती है। आप देख सकते हैं गन है यहाँ पे। नेविगेट टू द पॉइंट पियर मूरिंग इसमें लिखा हुआ है, मतलब बाद में जो जो वो रस्सी सी लगाते हैं, मतलब खड़ा, मतलब इसे बंदरगाह में जहाज़ों को लगाने के लिए उसे मूरिंग कहते हैं। मुझे पता नहीं हिंदी में वैसे उसे ढंग से क्या कहते हैं। आपने देखा हो एक रस्सी जैसी किसी चीज़ पे, या शायद पानी के अंदर वो शिप में, वो शिप को किसी चीज़ से टिकाया जाता है ताकि वो इधर उधर ना जाए, तो उसे ही मूरिंग कहते हैं। तो ये दूसरे कार्गो शिप्स है लगता है और ये भी चल ही रहे हैं। तो इनसे भी बचाकर चलना जरूरी है। तभी आपने देखा होगा मैं थोड़ा संभल के अपनी पोजीशन को उनसे अलग कर रहा था। अब तो बस पास में ही है, ये 30 knots के करीब मेरी स्पीड है, तो समझ लीजिए मेरी 55 या 54 knots के करीब मेरी स्पीड होगी, किलोमीटर के हिसाब से स्पीड होगी। शिप्स और एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर, इनकी स्पीड नॉट्स में ही होती है। हालांकि रशिया और चाइना जैसे देशों में वो शिप्स और प्लेन्स में भी, अपने मिलिट्री में भी किलोमीटर्स में ही करते हैं। तो आप देख सकते हो उसमें लिखा रहा है कॉन्ग्रेचुलेशन मैनेवर सक्सेसफुल, मैसेज फॉर माई कमांड, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन द अटेंशन दी शोन, थैंक्स टू योर कॉन्ट्रीब्यूशन। चलिए रिप्ले देख लेते हैं, और मुझे 2 स्टार मिले इस बार। और आप देख सकते हो शिप मेरे कितने पास आ गया था, तो मैंने अपना शिप मोड़ना शुरू कर दिया था। और पता नहीं क्यों इसके रीप्ले में कुछ ही अजीब सी आवाज़ आती है। आप देख सकते हैं मैं शिप को कैसे मोड़ रहा था ताकि मैं, ये मालवाहक जहाज़ है, कार्गो जहाज़ है, आप देख सकते हैं, जिससे मैं बचा कर ले जा रहा हूँ।
और आपने ऐसा शिप याद करना जब मैं कैरियर लैंडिंग्स में मुझे शिप रैक एक कार्गो शिप को सर्च करना था, तो वो बिल्कुल ऐसे ही शिप जैसा था, क्योंकि मुझे मालवाहक जहाज़ को ढूंढना था और ये भी एक मालवाहक जहाज है जो मेरी राइट साइड है, आप देख सकते हैं। और जो मैं चला रहा हूँ ये एक मिलिट्री का जहाज़ है, डिस्ट्रॉयर जिसे कहते हैं, और इसके पीछे हेलीपैड है, आप देख सकते हैं। मैंने अपने पहले मिशन में, आपने याद होगा, हेलीकॉप्टर मैंने यहाँ उतारा था, काफ़ी बड़े होते हैं, आप देख सकते हैं कितना शानदार है। इसके ग्राफिक्स आप देख सकते हैं, और वैसे भी इस गेम के ग्राफिक्स सैटेलाइट से ली गए हैं, तो ये काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों ये था मिशन, और उसमें टाइम लिखा रहा है मैंने इतने टाइम पे किया। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा देना। मैं ऐसे ही और भी कई सिमुलेटर्स ला रहा हूँ, तो बने रहिएगा। थैंक यू।